नमस्ते फ्रेंड्स, ईपीएफ से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि कोई भी कर्मचारी रिजाइन करने के बाद उसके पीएफ अकाउंट में जो पैसा होता है वो सारा पैसा वो विड्रॉ कर सकता है, और कर्मचारी को जो पैसा मिलता है वो पीएफ का और पेंशन का दोनों का अलग अलग मिलता है। और यदि किसी कर्मचारी की टोटल सर्विस 5 साल से कम है और उसे मिलने वाले पीएफ की अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो ऐसे में जो पीएफ की अमाउंट मिलेगी उसमें से टीडीएस काटा जाता है। और ये टीडीएस जो काटा जाता है ये केवल पीएफ के अमाउंट से काटा जाता है। जैसे कि यह हमारे सामने एक ईपीएफ का पासबुक है, इसमें हम देख सकते हैं कि यह कॉन्ट्रीब्यूशन के 3 कॉलम दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा दिखाई देता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और तीसरा दिखाई देता है पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पेंशन की अमाउंट होती है इसमें से टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, उस पीएफ के कंट्रीब्यूशन के टोटल अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसमें से टीडीएस काटा जाएगा। तो यहाँ हमें दो बातें ध्यान रखनी होगी कि यदि कर्मचारी की टोटल सर्विस, यदि किसी कर्मचारी ने दो जगह पे दो एम्प्लॉयर के पास काम किया है तो उनकी कुल मिला के सर्विस अगर 5 साल से कम है और जो पीएफ की अमाउंट मिलने वाली है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों को मिला के यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में 10% के हिसाब से टीडीएस काटा जाता है। और ये टीडीएस जो काटा जाता है ये टीडीएस कटने से रोक भी सकते हैं। इसके लिए एम्प्लॉय को एक फॉर्म भरना होता है जो कि होता है फॉर्म 15G। इस फॉर्म 15G को एम्प्लॉय जब पीएफ के विड्रॉल के लिए फॉर्म 19 सबमिट करेगा, ऑनलाइन फॉर्म 19 जब एम्प्लॉय फाइल करेगा उस समय इस 15G फॉर्म को ऑनलाइन वहाँ पर अपलोड करना होता है, उसके बाद उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कर्मचारी इस फॉर्म 15G को कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें किस तरीके से डिटेल्स एंटर कर पाएंगे, जिससे कि वो फॉर्म 19 को भरते समय उसमें इस फॉर्म 15G को अपलोड कर सकेंगे। अब यह हमारे सामने एक 15G फॉर्म है जिसके अंदर मैंने कुछ डिटेल्स एग्जाम्पल के लिए भर कर रखी है। इस फॉर्म के माध्यम से हम लोग यह समझेंगे कि इस 15G फॉर्म को हमें किस तरीके से भरना है, इसमें कहाँ कहाँ कौन सी डिटेल्स एंटर करनी है। ये जो 15G फॉर्म है इसके वर्ड फाइल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसमें आप डिटेल्स एंटर करके उसके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, या आप इस फॉर्म की प्रिंटआउट निकाल के उसके अंदर डिटेल्स एंटर करके 15G फॉर्म ऑनलाइन ईपीएफओ के पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ इसे समझ लेते हैं कि इस फॉर्म को हमें कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें एक पार्ट 1 दिखाई देता है। यहाँ पार्ट 1 में डिक्लेरेंट की डिटेल्स एंटर करनी होती है, जो कि एम्प्लॉय है उसकी डिटेल्स यहाँ एंटर करनी होगी। यहाँ सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम एंटर करना होगा, नेमा 25 ही यहाँ नाम एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ 2 नंबर कॉलम में पैन नंबर को एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ स्टेटस लिखना होगा इंडिविजुअल। इसके बाद 4 नंबर कॉलम में यहाँ फाइनेंशियल ईयर लिखना होता है, तो अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 चल रहा है तो यहाँ हम एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ रेसिडेंशियल स्टेटस में हम रेसिडेंट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ कॉलम नंबर 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ हमें हमारा कंप्लीट एड्रेस लिखना होता है, तो यहाँ मैंने कंप्लीट एड्रेस लिख लिया है। उसके बाद यहाँ कॉलम नंबर 13 में ईमेल आईडी लिखना होता है, इस ईमेल आईडी को हमने लिख लिया है। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, इसे भी हमने एंटर कर लिया है। इसके बाद यहाँ कॉलम नंबर 15 में हमसे पूछा जा रहा है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है क्या, इसके पहले आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है क्या, तो आपको यहाँ एस या नो करना होगा। हमारे केस में नो है तो हम यहाँ नो करेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ कॉलम नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो फॉर्म 15G आप सबमिट कर रहे हो ये कितनी इनकम के लिए, कितने अमाउंट के लिए आप सबमिट करने वाले हैं। तो हमें जो इनकम मिलने वाली है वो पीएफ की अमाउंट मिलने वाली है, तो यहाँ हमें जो पीएफ की अमाउंट मिलने वाली है उसकी अमाउंट यहाँ लिखनी होगी। तो यहाँ हमने उस अमाउंट को लिख लिया है। यहाँ केवल पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी अमाउंट जो हमें मिलने वाली है उसी की अमाउंट यहाँ लिखनी है, पेंशन की अमाउंट यहाँ एंटर नहीं करनी। इसके बाद यहाँ कॉलम नंबर 17 में हमसे पूछा जा रहा है कि जैसे अभी कॉलम नंबर 16 में हमने सिर्फ पीएफ की अमाउंट लिखी है, लेकिन हमें साल भर में जो इनकम होती है, जैसे कि सैलरी हो, बिजनेस हो, जो भी हो, साल भर में कुल मिला के जो हमें इनकम होती है उस अमाउंट को यहाँ कॉलम नंबर 17 में लिखना होता है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर किसी एम्प्लॉय की साल भर की टोटल इनकम
अगर 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो एम्प्लॉयज़ फॉर्म 15G को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, मतलब 2,50,000 रुपये से कम है, तो ही आप इस 15G फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। इसके बाद यहाँ कॉलम नंबर 18 है। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आपने साल भर में कितने 15G फॉर्म सबमिट किए हैं। तो हम यहाँ एक लिखेंगे। हमने यहाँ एक लिखा है क्योंकि हमने एक ही 15G फॉर्म सबमिट किया है और वो भी हम ईपीएफओ को कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो वो बैंक में भी 15G फॉर्म सबमिट करते हैं। तो ऐसे में वो जो बैंक में 15G फॉर्म सबमिट किया है वो एक और दूसरा एक, ऐसे यहाँ दो लिखने होंगे। तो हमने यहाँ एक ही लिखा है क्योंकि हम एक ही 15G फॉर्म सबमिट किया है। इसके बाद यहाँ हमसे एग्रीगेट अमाउंट पूछी जा रही है कि अगर आपने जो 15G फॉर्म सबमिट किए हैं उसकी आप यहाँ इनकम की अमाउंट बताओ। तो हमने यहाँ एक ही 15G फॉर्म सबमिट किया है तो इस 15G फॉर्म की जो इनकम हमें मिलने वाली है वो यहाँ हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ कॉलम नंबर 19 में हमें इनकम की डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो हमें जो इनकम मिलने वाली है वो पीएफ से मिलने वाली है। यहाँ हमें आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना होता है, इन्वेस्टमेंट या अकाउंट नंबर लिखना होता है। तो हमें ईपीएफओ से पीएफ की अमाउंट मिलने वाली है तो हम यहाँ ईपीएफओ का यूएएन नंबर एंटर कर लेंगे, जो कि हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ यूएएन नंबर एंटर किया है। इसके बाद यहाँ नेचर ऑफ इनकम पूछी जाती है तो हमें ईपीएफ का फाइनल विड्रॉल पे अमाउंट मिलने वाली है तो हमने यहाँ ईपीएफ फाइनल विड्रॉल लिख लिया है। इसके बाद हमें सेक्शन पूछा जा रहा है जिस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है। तो यहाँ हम सेक्शन 192A लिख लेंगे, इसे हमने लिख लिया है। और इसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम पूछी जा रही है तो हमें जो पीएफ की अमाउंट मिलने वाली है उसे हमने यहाँ एंटर कर लिया है। तो यहाँ हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है। इसके बाद हमें नीचे आना होता है। इसके बाद हमें यहाँ डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन भरना होता है। यहाँ हमने हमारा नाम लिख लेना होगा। इसके बाद हमें ईयर एंडिंग लिख लेनी होगी। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 चल रहा है तो इसकी ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 रहेगी। तो और इस 31 मार्च 2025 के लिए जो असेसमेंट ईयर रहेगा वो 2025-2026 रहेगा। तो इसे भी हमने यहाँ एंटर कर लिया है। या फिर से हमने ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 लिख ली है और यहाँ असेसमेंट ईयर 2025-2026 लिख लिया है। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्म को भर लिया है। अब यहाँ इस फॉर्म को भरने के बाद हमें इसकी प्रिंटआउट निकालनी होगी और यहाँ दो जगह पर साइन करनी होगी। यहाँ एक सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ साइन करनी होगी। और यहाँ एक सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ साइन करनी होगी। यहाँ हमें नीले पेन से साइन कर लेना है। इसके बाद यहाँ प्लेस एंटर करना होगा और यहाँ डेट एंटर करनी होगी। इसके बाद हम नीचे आते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पार्ट टू दिखाई देता है। इस पार्ट टू के अंदर डिटेल्स हमें नहीं भरनी है, ये डिटेल्स डिपार्टमेंट खुद भरेगा। तो हमें इन दोनों पेजेस के प्रिंटआउट निकाल लेने होगी या साइन कर लेना होगा। इसके बाद इसे स्कैन करके हम जब ईपीएफ के विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन करेंगे, जब फॉर्म 19 हम भरेंगे तो उस समय इस फॉर्म को हमें अपलोड कर लेना होगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके हम इस फॉर्म 15G को भर सकते हैं। इस फॉर्म 15G की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ दो फाइल्स है, एक सैम्पल फाइल है और एक ब्लैंक फाइल है। आप दोनों में से किसी को भी डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।